हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सैमी द ढाबा। तो आज आपका भाई आपके लिए लेके आया है चटपटे मसालेदार आलू की एक ऐसी रेसिपी जिसको आप घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से कभी भी किसी भी वक्त बना सकते हैं। तो देर किस बात की, चलो रेसिपी को देखने के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, सैमी द ढाबा चैनल में आपका स्वागत है। तो रेसिपी के सबसे पहले स्टेप पे हम ले लेंगे यहाँ पे खलबट्टा, उसके अंदर ऐड कर लेंगे घर पे अवेलेबल मसाला, जैसे कि थोड़ा सा साबुत धनिया, जीरा, 2 से 3 अदरक के टुकड़े, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा ताज़ा हरा धनिया। अब इसको हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। हमने इसको खलबट्टे में इसलिए कूटना है ताकि इसका टेस्ट भी बना रहे, उसका फ्लेवर भी बना रहे। चाहते तो मिक्सी में भी कर सकते, लेकिन मिक्सी में वो बात नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता। तो देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसको थोड़ा दरदरा कूट लिया है। अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे पैन के अंदर 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा जो कूटा हुआ मसाला है उसे। अब इन सबको मसालों को अच्छी तरीके से तेल में भून लेंगे हम 2 से 3 मिनट तक। अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे मसाले, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। मसालों की जो क्वांटिटी है डिटेल में हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर लीजिएगा। अब इन सबको अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करते हुए पका लेना है 3 से 4 मिनट तक। अब इनको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकड़े देंगे। इस वक्त इसके अंदर से मसालों में से जो फ्लेवर की खुशबू आ रही है ना, बस यही मन हो रहा है कि कब रेसिपी बने और कब हम इनसे खाएं। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे बॉईल किए हुए कटे हुए आलू। हमने यहाँ पे आलू को बॉईल करके उनको ठंडा करके उनके पीसेस कर लिए थे, अब उनको ऐड कर लिया है। अब इन सब आलूओं को मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही अच्छी रेसिपी है मेरे कहने से, तो आप इसको एक बार अपने घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। Thank you.